अस्सलाम वालेकुम सभी को सब्सक्राइबर व्यूअर्स को मिस्टर निज़ाम वालपेट चैनल की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। ये रमज़ान में पहला वीडियो है मेरा, तो सभी को फिर से एक बार रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए भाई ये दो देखिए व्हाट्सएप वीडियो आई हुई है मेरे पास जो सुचित्रा मॉल बोइनपल्ली से रहेगी। तो इसके जो ओनर है यादव अन्ना है और इसमें देखिए आप बहुत प्यारे विलायती पठानकोट के हैं जिसमें काफ़ी बच्चे हैं अलग अलग साइज़ के हैं और माशाल्लाह ये देखिए पूरे सेट जानवर है। ये जो भी जानवर आप देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि विलायती पठानकोट के है ये पूरे विलायती। और मैं बता दूँ विलायतियों का जो गढ़ माना जाता है पठानकोट को माना जाता है क्योंकि वहाँ की ब्रिड मानी जाती है ये और वहाँ के विलायती जो होते हैं साइज़ में वेट में वगैरह में ज़्यादा आते हैं और वो प्योर क्वालिटी मानी जाती है पठानकोट की। तो ये पठानकोट से मंगाए सो यादव अन्ना काफ़ी क्वांटिटी में है। तो अभी ये सेट है तेलंगाना के एनवायरनमेंट में क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बता रहे हैं लाकर। तो ये सारे चीज़ें जो है तेलंगाना में जो चलता है चारा वो पूरे खाने वाले बच्चे है ये, घास भी चल रही है चुन्नी वगैरह भी चल रही है बता रहे हैं। तो जो यहाँ के इन्वायरमेंट को भी सेट हो गए सो हैं और यहाँ के खाने को भी सेट हो गए से, तो जो भी लेंगे इनको आसानी से पाल सकते हैं। कोई जितनी क्वांटिटी है आपकी ले सकते हैं। ये कुछ अभी 12-13 10-12 बच्चे कुछ बचे हुए हैं भाई कने, तो इंशाल्लाह दूसरे भी देखेंगे। तो साइजेस भी है तो अन्ना का नंबर आपको यादव अन्ना का नंबर ऊपर भी दिखेगा 9393390933। तो इस पर कॉन्टैक्ट करके आप और मज़ीद डिटेल ले सकते हैं, रेट्स के ताल्लुक से भी आप डिटेल लीजिए। अच्छे चीज़ें हैं देखिए पठानकोट की जो क्वालिटी है अच्छी मानी जाती है, तो आप और मज़ीद सामने से देख के ले लीजिए बेहतर रहेगा। लेकिन ये सेट जानवर है इतना बोल सकता हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया आकर, तो आपको लेकर कोई परेशानी नहीं होगी, आप इनको तैयार कर ले सकते आसानी से। तो बहुत अच्छे कंडीशन में है, सुचित्रा माल बोइनपल्ली से है ये, तो नंबर भी यादव अन्ना का रहेगा, कॉन्टैक्ट कीजिए। और फिर से एक बार आप ही को बोलूँगा अगर किसी को भी वीडियो है तो मेरे चैनल पर डला सकते हैं आप लोग, आप व्हाट्सएप वीडियो भेज सकते हैं। टाइमिंग के ताल्लुक से भी मैं डिटेल आगे दूंगा, मेरे जो वीडियोस पढ़ेंगे और आप लोग देख सकते हैं। तो खाले दिल से सबकी दुआएं, तो अल्लाह ताला सभी की नेक जायज़ दुआएँ कबूल फरमाए।